शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत के 5 दिन बाद उनका आखिरी बयान सामने आया है। मौत से जूझते हुए उन्होंने ये बयान दर्ज किया जिसमें वो अपने कातिलों का नाम ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भीषण दर्द से कराहते जगेंद्र ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें जला क्यों दिया गया। इस बयान के सामने आने के बाद भी न तो यूपी सरकार की नींद टूटी है और न ही पुलिस की। अखिलेश यादव ने न ही अपने आरोपी मंत्री को हटाया और न ही पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार किया। दीवार बांध के अंदर घुसा है कौन? श्री प्रकाश राय और पांच पुलिस वाले, सब लोग पिस्टल ताने थे, लोगों ने बहुत पहले मारा, फिर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। सुना आपने, यूपी के एक रसूखदार मंत्री के खिलाफ जिंदा गवाही देकर ये गुमनाम पत्रकार दुनिया से विदा हो गया। मौत से ठीक पहले की ये गवाही सीएम ने सुनी, सरकार ने सुनी, समाजवाद के पुरोधाओं ने सुनी कि एक पत्रकार जो एक मंत्री के खिलाफ अपनी कलम चलाता रहा, अपनी हत्या की आशंका जताता रहा, वो कैसे आखिरी बयान में चंद नाम लेकर मौत की नींद सो जाता है। गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लेते, मुझे मारा, आग क्यों लगा दी? कौन था इसमें, कौन नाम बताएं, किस पद पे रहे लोग? श्री प्रकाश राय था, उसके साथ 5 पुलिस वाले थे और गुफरान था। श्री प्रकाश राय कौन है? श्री प्रकाश राय कोतवाल है। पूरे देश ने सुना ये बयान, लेकिन सुनकर अनसुना कर दिया। यूपी की पुलिस ने आंख और कान बंद कर लिया। अखिलेश यादव की सरकार ने न मुख्यमंत्री को न मुख्यमंत्री के चचा को मौत से ठीक पहले दी गई इस गवाही पर भरोसा है। वारदात को 12 दिन बीत गए, एफआईआर दर्ज हुए 100 घंटे हो गए, अब तक न तो पत्रकार को जिंदा जलाने वाले पकड़े गए, न ही साजिश के आरोपी अखिलेश के लाडले राज्य मंत्री का कोई अता पता है। उल्टा कानून की नई परिभाषा गढ़ने लगे समाजवादी सिद्धांतों के ज्ञाता माननीय राम गोपाल यादव। बिना जांच किए हुए किसी आदमी को फंसाया नहीं जा सकता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति दोषी है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव का बयान है। सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। राम गोपाल अब भी ये समझने के लिए तैयार नहीं कि मौत से पहले की गवाही का क्या मतलब होता है। वो गवाही जिस पर कोर्ट, कानून, जज सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। गिरफ्तार करना था तो गिरफ्तार कर लेते, मुझे आग क्यों लगा दी? मौत से पहले जगेंद्र ने आखिरी बार यही सवाल पूछा था। कैमरे के सामने जगेंद्र का ये बयान अखिलेश यादव के राज्य मंत्री राम मूर्ति वर्मा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यूपी की सरकार, पुलिस, नेता सब के सब इसे झूठा साबित करने पर तुले हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। पूछा गया कि जगेंद्र केस के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, तो जवाब मिला अब तक शिवराज सिंह चौहान की और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एक तरह का मैसेज आ रहा है कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी पत्नी आरोप पे तमाम आरोप लगे, तमाम ऐसे लोग भाजपा में जो मुख्यमंत्री रहे, बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे, तो खाली आरोप के आधार पर कुछ बात कह दी जाए, मैं बहुत उचित नहीं मानता हूँ। बीजेपी कह रही है कि मंत्री को हटा देना चाहिए। अब बीजेपी तो तमाम केंद्र सरकार में मंत्रियों के ऊपर तमाम आरोप है, तो उनको भी हटाने की मांग कर ले। अब बीजेपी विपक्ष में है तो उनको तो यही बात कहना ही चाहिए। वो कहते हैं उनके तमाम नेता, उनके ऊपर आरोप हैं, अयोध्या कांड के तमाम आरोप हैं, आडवाणी जी पे भी आरोप, तो आडवाणी जी से भी इस्तीफा क्यों नहीं बीजेपी वाले मांग लेते। जागेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। इस दौरान वो कई बड़े अखबारों में भी काम कर चुके थे और पिछले एक साल से वो फेसबुक पर शाहजहांपुर समाचार के नाम की आईडी पर खबरें लिखा करते थे। जागेंद्र सिंह शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों की मनमानी और दबंगई की खबरों को उजागर किया करते थे। अब जरा फेसबुक पर जगेंद्र की आखिरी खबर देखिए। इस आर्टिकल का टाइटल है, रिंकू यादव के एमएलसी टिकट में रोड़ा अटका रहे राम मूर्ति, भीतरघात और मौका परस्त राजनीति में माहिर राम मूर्ति वर्मा। यूपी के एक मंत्री के खिलाफ खबर लिखने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा खुद जगेंद्र को नहीं रहा होगा। शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके का ये वही घर है जहां 1 जून की दोपहर पत्रकार जोगिंदर सिंह को बेरहमी और निर्दयता के साथ जला दिया गया। परिवार का आरोप है कि मंत्री के इशारे पर पुलिस पहले भी उनके घर पर कई बार दबिश दे चुकी थी। जगेंद्र सिंह को 1 जून को जिंदा जलाया गया। 12 दिन से घर वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री का दिल अब भी नहीं पसीज रहा। ये हाल तब है जब खुद यूपी के राज्यपाल और समाजवादी पार्टी के एक विधायक सरकार की मंशा पर सवाल उठा चुके हैं। यूपी सरकार सिर्फ मंत्री को ही नहीं बचा रही,
जगेंद्र को जिंदा जलाने के आरोपी कोतवाल श्री प्रकाश राय से अब तक पूछताछ नहीं हुई। आरोपी इंस्पेक्टर को पहले लाइन हाजिर किया गया और जब कार्रवाई का दबाव बढ़ा तो कोतवाल श्री प्रकाश राय का तबादला शाहजहांपुर से 400 किलोमीटर दूर झांसी कर दिया गया, जहां अब भी वो मौज की नौकरी कर रहे हैं। तो फिर क्या भरोसा करें इंसाफ का, क्या भरोसा करें सरकार पर और कैसे यकीन करें समाजवाद का स्वांग रचने वालों पर। लखनऊ से रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर। जगेंद्र सिंह की मौत के बाद यूपी के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा का अता पता नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने उस नेता की छुट्टी कर दी जो जगेंद्र के पक्ष में बोल रहा था। पत्रकार जोगेंद्र सिंह की मौत के बाद शाहजहांपुर से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की साजिश के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। हम मौजूद हैं इस समय ओसीआर बिल्डिंग में, जहां पर सपा सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा का सरकारी निवास मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर का ये वो घर है, मकान नंबर 102, जो कि अलॉट हुआ है राममूर्ति वर्मा को। बहुत कोशिश की जा रही है पिछले 12 दिनों से राममूर्ति वर्मा से संपर्क करने की, उनका पक्ष जानने की, लेकिन अभी तक राममूर्ति वर्मा का पक्ष नहीं मिल सका है। इस बारे में सरकार की तरफ से काफी दावे किए जा रहे हैं कि कोई भी आदमी इसके ऊपर FIR हो जाती है दोषी नहीं हो जाता है। राममूर्ति वर्मा की तलाश करते हुए इंडिया टीवी की टीम जब उनके सरकारी आवास पर पहुंची तो पता चला मंत्री जी अपने इलाके के दौरे पर है। वो शाहजहांपुर निकल गए ना यहाँ से कल शाम में। अच्छा जी, कुछ परेशान थे क्या, मतलब कि जो नहीं, इस बारे में इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? सुनील। आप उनके क्या हैं जी, घर पे मतलब रहने वाले हैं, केयर टेकर हैं जी? सरकारी आवास का केयर टेकर जो भी कहे, लेकिन सच ये है कि राममूर्ति वर्मा पिछले 12 दिन से लापता है। ना तो वो शाहजहांपुर गए हैं और ना ही लखनऊ में दिखे। मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने की सजा सिर्फ जोगेंद्र को ही नहीं मिली, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र पाल सिंह ने जब यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मंत्री की शिकायत की तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री आखिर जगेंद्र से नाराज क्यों थे, इसका जवाब शाहजहांपुर समाचार की ये खबरें हैं। जगेंद्र ने फेसबुक पर मंत्री जी के बारे में कई बड़े खुलासे किए थे। फेसबुक पर जगेंद्र ने लिखा, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के मामले में पीड़ित महिलाओं की खिली उड़ाते हुए एक बार कहा था कि जवानी में गलती हो ही जाती है, तब से सपाई उनके कहे रास्ते पर ही चल पड़े लगते हैं। राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा और उनके गुर्गों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने गैंगरेप का आरोप लगाया तो सारे सपा नेता बेशर्मी के साथ बलात्कारियों के पक्ष में जुट गए हैं। सपा नेत्रियां भी महिला होकर पीड़ित महिला के बजाय बलात्कारियों की वकालत करने में जुट गई हैं। और जगेंद्र सिंह ने सीधे सत्ता से टक्कर ली और नतीजा सबके सामने है। एक बार फिर रसूख सच पर हावी हुआ। जगेंद्र के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और मंत्री राममूर्ति सिंह को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। कथित तौर से जगेंद्र को जब मारा गया तब मौके पर उनका बेटा भी मौजूद था। एक बेटे ने अपने पिता को आग की लपटों से झुलसते हुए देखा। एक परिवार के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि घर के मुखिया को जिंदा जला दिया गया हो और न्याय की आस दूर दूर तक भी दिखाई न दे। कम से कम यूपी पुलिस की अब तक की कार्रवाई से तो यही लगता है। पत्रकार जगेंद्र की मौत को 12 दिन हो गए हैं और पुलिस 6 में से एक भी आरोपी को अब तक पकड़ नहीं पाई है। पुलिस के पास आरोपियों को गिरफ्तार न करने के लाख बहाने हो सकते हैं, लेकिन जगेंद्र का परिवार ये चीख चीख कर कह रहा है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन्हें साजिशन मारा गया। ये है जगेंद्र के बड़े बेटे पुष्पेंद्र सिंह। मौके वारदात पर पुष्पेंद्र भी मौजूद थे। पुष्पेंद्र के मुंह से खुद ही सुनिए कि उनके पिता को कैसे मारा गया। मेरे सामने ये लोग राय साहब और ये गुफरान और 3-4 सिपाही करीब अंदर कूद के गए तो मारने पीने लगे। हमने कहा भी क्यों कूद रहे हो, तो बोले गिरफ्तार कर रहे हैं, वो दरवाजा अंदर से लॉक है। तो ये अंदर कूद गए तो वहाँ मारने पीने की आवाज़ आने लगी तो हम लोग बाहर खड़े थे, सिपाही बाहर और भी फोर्स खड़ी थी, तो दरवाज़ा नीचे तिरछा गया तो हम अंदर जैसे ही गए तो वहाँ एक सिपाही खड़ा था गेट के पास ही आंगन में, तो उसने रिवॉल्वर लगा दी कि चिल्लाए तो तुम मतलब तुम्हारे पापा को ही मार देंगे और तुम्हें भी गोली मार देंगे। तो उसके बाद ये मारते पीटते रहता तो सालिनी नाम की महिला थी वो भी अंदर आ गई उसी में से नीचे से, और क्या नाम, तो वो तो अंदर भाग गए अंदर कमरे में जहाँ वो पापा मार रहे थे। उसी के बाद इन्होंने रानी पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी।